इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों की 32 सालों से चल रही कानूनी लड़ाई का आज अंत हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम के पहले इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया भुगतान को लेकर मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कनकेश्वरी मैदान में कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मजदूरों को चेक सौंपे। इस दौरान पीएम मोदी ने चार जातियों को सबसे बड़ा बताया। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है कि मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी चार जातियां हैं, मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। हुकुमचंद मिल के करीब 4,800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। ये रकम उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इस दौरान 464 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। इसमें से करीब 4,800 मजदूरों के खातों में 218 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2,000 मजदूरों को 4-4 लाख मिलेंगे। वहीं 500 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें 5-5 लाख और अन्य मजदूरों को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही 6 अफसरों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे जो मिल में मौजूद थे। बता दें कि ये मिल साल 1990 में बंद हो गई थी।